गुड इवनिंग, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो क्लास होगी इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे आधारित होगी। इसी एडजेक्टिव के बारे में आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो फटाफट कॉपी पेन के साथ बैठिए ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर करके आए और आसानी से आए, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करेंगे, वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे, अब 5 कम रह गया है, 5 पूरा हो जाएगा तो आप लोग की डायरेक्ट लाइव क्लास होने लगेगी। जो आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो क्वेश्चन डायरेक्टली बैठ के आप पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोगों से डायरेक्ट हमारी बातचीत होती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ। ये एडजेक्टिव की हमारी कौन सी क्लास है? तो चौथी क्लास होगी। ये एडजेक्टिव की हमारी चौथी क्लास होगी। दोस्तों, ये जो इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। और इसकी जो संख्या होती है वही क्या होती है? अनिश्चित होती है। किसे कहते हैं? तो जरा मैं आप सबको बता दूं कि यह जो एडजेक्टिव होगा, यह एडजेक्टिव कोई भी नाउन होगा तो नाउन की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, ठीक है। या कोई भी नाउन होगा तो उस नाउन की अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। इसका मतलब है कि आपको बात केवल किस पे करनी है? तो आपको बात करना है केवल और केवल नंबर पे। नंबर जिसको आप लोग इंग्लिश पे क्या बोलते हो? संख्या बोलते हो। संख्या कितनी है ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। संख्या कितनी है स्पष्ट पता होना चाहिए। तो जब स्पष्ट पता हो जाएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में आपको मैंने कल पढ़ाया कि वो दो टाइप में बटा होता है। पहले को बोलते हैं कॉर्डिनल और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल। जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है उसको हम कहते हैं कार्डिनल, और जिससे निश्चित क्रम का बोध होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। लेकिन ये निश्चित नहीं है बल्कि ये क्या है? अनिश्चित है। संख्या तो इसमें भी होगी, संख्या कल वाले में भी थी लेकिन निश्चित थी, संख्या आज भी होगी लेकिन अनिश्चित होगी। कितनी है हमको मालूम नहीं है। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा। अब ज़रा मैं चलता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन कौन से एडजेक्टिव आने वाले हैं उनको ज़रा मैं ध्यान से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ो SOME, सम। आपको यहाँ पर मिलेगा SEVERAL, सेवरल। उसके बाद आपको मिलेगा MANY, मेनी। उसके बाद मिलेगा ऑल। उसके बाद आएगा WHOLE, होल। उसके बाद आपको मिलेगा FEW, फ्यू। उसके बाद आपको दोस्तों मिलने जा रहा है वेरी फ्यू। आपको उसके बाद मिलने जा रहा है ए फ्यू। और आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है द फ्यू। क्या मिलने जा रहा है? द फ्यू। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, ऐसे बहुत सारे अभी एडजेक्टिव हैं जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। दोस्तों अगर ये हो गया तो मैं ज़रा एक और आपको बताना चाहूँगा। ये सारे हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया ए, नंबर ऑफ। यहाँ पे आ गया ए, एल ए आर जी, ए लार्ज नंबर ऑफ। उसके बाद आ गया ए, उसके बाद आ गया ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद आ गया दोस्तों लॉट्स ऑफ। उसके बाद आ गया ए, एल ओ टी, ए लॉट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आ गया ए, जी आर ई ए टी, ए ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। ए, उसके बाद आ गया जी डबल ओ डी, गुड। एम ए एन वाई, मेनी। उसके बाद क्या आ गया? ऑफ। दोस्तों एक एक शब्द को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब मैं सब में आपको डिफरेंसेस बताना स्टार्ट करूँगा तब जाके इन सारे शब्दों का बड़ा ही महत्व होगा। और उस समय बच्चे, अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपका आंसर अक्सर गलत हो जाता होगा।
जहाँ पे सम भरना है वहाँ पे मिनी भर देते होंगे, जहाँ पे मिनी भरना है वहाँ पे आप फ्यू भर देते होंगे, जहाँ पे फ्यू भरना है वहाँ पे सम लग जाता होगा। अगर ऐसा होता है, ये जो फ्लक्चुएट करते हैं आप लोग, तो ये ऐसा क्यों होता है? जब तक किसी को फैक्ट्स के बारे में नहीं पता हो, तब तक आप अपने आंसर को सही तरीके से और कॉन्फिडेंट तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको जानने का, समझने का तरीका है कि जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप बड़े ध्यान से देखें और हर एक शब्दों में डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मेरी बात को समझिए आप लोग। मैंने कहा कि ये सारे लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। कौन से एडजेक्टिव हैं? तो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है। इसमें संख्या होगी, लेकिन संख्या कौन सी होगी हमको नहीं मालूम है। वो संख्या 2 होगी या 200 होगी या 400 होगी, होगी ज़रूर, लेकिन 2 होगी कि 200, 200 होगी कि 2000 होगी, ये हमको पता नहीं है। और चूंकि संख्या पता नहीं चलता है, इस वजह से इनको इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी भी आता है कि फिल द करेक्ट डिटरमाइनर्स, तो उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव ही डिटरमाइनर्स होता है। समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए कि फिलर्स आएगा, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ही ज़्यादा रोल है, आपको मैं बताऊं। अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें। अगर ये जितने सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, इन सब के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन सारे एडजेक्टिव्स, इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद, ये जितने सारे एडजेक्टिव्स हैं, जितने सारे एडजेक्टिव्स मैंने लिखे हुए हैं, इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद यहाँ पे जो भी आने वाले nouns, आने वाले जितने भी नाउन्स होंगे, आने वाले नाउन्स, ठीक है, हमें हमेशा कैसे रहेंगे? हमेशा ही प्लूरल होंगे। कैसे होंगे मेरे साथियों? हमेशा ही प्लूरल होंगे। और हमेशा प्लूरल होंगे इसका मतलब है कि इसके बाद जो भी आने वाला नाउन होगा वो जिंदगी भर हमेशा ही प्लूरल होंगे, इसका मतलब है कि वो कभी सिंगुलर होने वाले नहीं हैं। अब ज़रा आप पूछेंगे कि सर प्लूरल ही होंगे, इसका क्या मतलब है? एक छोटी सी बात याद रखना डी है, अगर मैंने कहा कि ये आने वाले नाउन हमेशा प्लूरल ही होंगे, अगर अनिश्चित संख्या का बोध कराना है तो संख्या कभी एक तो होगी नहीं। अनिश्चित संख्या है इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर है, और अगर नंबर बहुत बड़ा है इसका मतलब है कि नाउन प्लूरल होगा, तभी नंबर बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाले नाउन तो प्लूरल फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए, इसका मतलब है, स्पष्ट है कि यहाँ पे प्लूरल आएगा तो ही अनिश्चित संख्या का बोध हो सकता है, इस वजह से इसके बाद कभी सिंगुलर नाउन आने वाला नहीं है। अगर ये पहला हो गया, और अगर पहला हो गया तो आप इस पॉइंट को भी याद रखें, इस पॉइंट को भी याद रखें कि यहाँ पे अगर कोई दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब अगर लगाने की बात आती है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब आना है तो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, कैसा होगा? वो प्लूरल ही होगा। कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। क्यों होगा? तो ज़रा फैक्ट को मैं आपको समझाते चलूँ। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं कौन सा आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं। एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी नाउन के पहले आता है और उसको क्वालिफाई करता है। करेक्ट है, उसकी यही डेफिनेशन है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव करते हैं या अकॉर्डिंग टू नाउन करते हैं, तो आप बोलेंगे कि नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का इस्तेमाल तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है, और हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है, और सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन ही होगा ना। जैसे मान लो कि ए गुड बॉय, इस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बॉय है, लेकिन गुड बॉयज़ तो हमको आर करना पड़ेगा क्योंकि बॉयज़ के अकॉर्डिंग आर होगा। तो यहाँ पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब अगर लगता है, हेल्पिंग वर्ब अगर आपको लगाने को कहा जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी दोस्तों वो कैसी रहेगी? प्लूरल ही होगी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको एक एक करके याद रखना है, ठीक है। अगर एक चीज़ और याद रखना है, और तीसरा ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर मान लो कि हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल लगाने की बात आ गई, लेकिन अगर मान लो कि कोई पोजेसिव केस आ गया, कौन सा केस आ गया? अगर कोई पोजेसिव केस, और पोजेसिव केस जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? अपना के लिए बोलते हो। तो अगर नाउन दोस्तों प्लूरल है, तो अपना के लिए जो पॉजिटिव केस आएगा वो भी तो प्लूरल होगा, वो कभी सिंगुलर आना तो है नहीं उसको,
क्योंकि अगर नाउन ही प्लूरल हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गई, इसका मतलब है कि जो पॉजेसिव केस है वो भी लाइफ टाइम कैसा रहेगा, वो भी प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है, सिक्वेंस अगर चल रहा है तो प्लूरल का प्लूरल के साथ चलेगा, सिक्वेंस अगर सिंगुलर फॉर्म का चल रहा है तो सिंगुलर का सिंगुलर के साथ चलेगा। तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जब भी आप काम करोगे तो हमेशा प्लूरल के साथ प्लूरल का ही इस्तेमाल करोगे। आई बात समझ में दोस्तों? ये केवल अभी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया हो तो मैं 2 सेकेंड का टाइम दूंगा, और उस 2 सेकेंड के बाद मैं आपको आता हूँ तो इसके एग्जाम्पल्स को फैक्ट के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है? तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर ले, और वीडियो को जितने लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? मैं आता हूँ 2 सेकेंड में। चलिए, उम्मीद है हो गया होगा। अगर लिख लिया है आप लोगों ने तो मैं जरा इसको मिटाऊं। अब जरा इसके फैक्टर्स पे काम करें, इसके एग्जांपल्स क्या हैं उसको जरा हम लेके आगे बढ़ते हैं। एक एक करके मैं एग्जांपल बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? उसको आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। आप देखें, अब जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, अब एक एक करके मैं उन सारे क्वेश्चंस को अब जरा यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझिए कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? एक एक करके आप जानेंगे, सारा आंसर आपके सामने होगा। अगर मान लो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले मैं ये बता दूँ, जितनी भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे आने वाले भविष्य में देखेंगे, मैं उन सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। पहले इस दिए गए वाक्यों में आप एडजेक्टिव का चयन करो, यानी कि ये पता करो कि ये कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, पहला क्वेश्चन। और अगर एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, तो पहले पहचान करना जरूरी है। पहचानने अगर आपको आ जाएगा तो आपको बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। कन्फर्म है? अगर कन्फर्म है तो जरा मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए सम बॉयज आर, उसके बाद आ गया डूइंग, उसके बाद आ गया देयर, और उसके बाद आ गया साथियों ड्यूटी। सम बॉयज आर डूइंग देयर ड्यूटी, कुछ बच्चे अपने काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर मान लो यहाँ पे आ गया एम ए एन वाई मेनी, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया हैव, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद आ गया दोस्तों देयर, और उसके बाद क्या आ गया ड्यूटी। जो जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जो जो क्वेश्चन आने चाहिए, वो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखना आप लोग, ठीक है? अगर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आ गया ऑल, उसके बाद आ गया गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर, यहाँ पे आ गया कंप्लीटिंग, ऑल गर्ल्स आर कंप्लीटिंग, यहाँ पे आ गया देयर एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, होमवर्क हो गया। अगर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया एफ ए डब्ल्यू फ्यू, उसके बाद आ गया पोएट्स, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया सो फेमस एज, उसके बाद आ गया कालिदास, क्या आ गया कालिदास, ये भी एक एग्जांपल है। अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ए, उसके बाद आ गया जी आर ई ए टी ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे आ गया पी ई ओ पी एल ई पीपल, उसके बाद आर जी ओ आई एन जी गोइंग टू, यहाँ पे आ गया दोस्तों देयर, और उसके बाद आ गया होम्स, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। आप एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझते जाइए। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया
लॉट्स ऑफ, यहाँ पे आ गया क्रिमिनल, लॉट्स ऑफ क्रिमिनल, उसके बाद आ गया हैव बीन एस ई एन टी सेंट टू, और उसके बाद क्या आ गया जेल। यह भी एक एग्जांपल हो सकता है। अगर अगले एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ की जगह पे यहाँ पे हो सकता है ए एल ए आर जी ई, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे आ गया प्लेयर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, उसके बाद आ गया आर डूइंग, यहाँ पे क्या आ गया वेल। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आना कि लिखा जा सकता है और एक क्वेश्चन और लिखा जा सकता है और मैं लिख ही देता हूँ, और क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना ज़रा। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया एस ई वी ई आर ए एल सेवरल, उसके बाद आ गया टी ई ए सी एच ई टीचर्स, आर टी ई ए सी एच आई एन जी टीचिंग, उसके बाद आ गया देयर, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ज़रा आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने 8 क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, और इस 8 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे जो पहला काम है वो कौन सा करना है। सबसे पहला काम है कि ये जो दिया गया सेंटेंस है जितना भी है सारा का सारा करेक्ट है, सारे के सारे सेंटेंस क्या है करेक्ट है, और सारा का सारा सेंटेंस यदि करेक्ट है तो इसमें आपको करना क्या है। तो मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, और पूछे चाहे ना पूछे, आपको क्या करना है पहले सीखना है ना, तो सीखना है तो पहला काम क्या करो आप कि इस दिए गए सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 वर्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 6 शब्द ही दिए गए हैं, और उन सारे शब्दों में अगर आप लोग ने पहले, अगर जो मैंने इस क्वेश्चन के पहले जो भी लिखा अगर उसको कॉपी पे कहीं नोट किया हो तो ज़रा उसको आप लोग क्या करें निकाल लें, और ज़रा समझने की कोशिश करें कि जो मैंने लिखा था उसमें से कोई शब्द मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है इसका मतलब है कि वो सारे के सारे इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखें। अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सम, तो सम के बाद यहाँ पे क्या लिखा है बॉयज, ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी कैसी है प्लूरल है, और इसके बाद आपको देयर भी मिलेगा, ये भी प्लूरल है, यानी ये आपका एडजेक्टिव है, कौन सा है इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ध्यान से जरा देखें, सम बॉयज कुछ बच्चे, सम बॉयज का मतलब कुछ बच्चे हैं कर रहे अपना काम, कुछ बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि कुछ बच्चे अपना काम कर रहे हैं तो उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, अधिक तो है, कुछ बच्चे अपना काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों की संख्या एग्जैक्ट कितनी है, 4 है कि 40 है कि 400 है, हमको पता नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं बताया, नंबर शो नहीं किया है एग्जैक्ट नंबर, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे हैं, इसका मतलब है ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इस वजह से ये दिया गया जो सम है वो हमारे लिए इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, अगर यहाँ पे आ गया मेनी, मेनी स्टूडेंट्स, अगर ये प्लूरल है दोस्तों तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, और अपना के लिए जो लगा है वो भी क्या है प्लूरल है, सारा चीज़ प्लूरल है ना, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस कहीं पे भी अगर ड्रॉप करता है, अगर वो मिसमैच करता है, इसका मतलब है कि यू हैव टू स्टे एंड डिस्कस अबाउट द फैक्ट, आपको वहाँ पे रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये करेक्ट है या नहीं, तभी आप पकड़ पाओगे, अदरवाइज पकड़ना मुश्किल होगा। मिनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपना काम कर चुके हैं, कितने सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे हैं, 20 हैं कि 200 हैं कि 50 है कि 40 है, कितने हैं हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पता है, लेकिन बच्चे हैं ज़्यादा हैं लेकिन कितने हैं नहीं पता है, इसका मतलब है कि मेनी कौन सा है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अगर यहाँ पे आ गया ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स ये भी प्लूरल है, इसके साथ आने वाला ये भी प्लूरल है, और इसके साथ आने वाला ये भी प्लूरल है, इसका मतलब है कि हमको चर्चा करना है किस पे, ऑल पे, सभी बच्चियाँ सभी लड़कियाँ अपना होमवर्क पूरा कर रही हैं, सभी बच्चियाँ सभी लड़कियाँ अपनी अपना होमवर्क पूरा कर रही हैं, सभी बच्चियाँ कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी लड़कियाँ हैं,
सभी बच्चियां, सभी तो हैं, सारी की सारी हैं, सारी की सारी बच्चियां अपना होमवर्क पूरा कर रही हैं, लेकिन उस बच्चियों की संख्या कितनी है तो हमको मालूम नहीं है। और अगर मालूम नहीं है, इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों, कभी इसका नंबर एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए मतलब ऑल क्या होगा, ये ऑल भी इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। आई बात समझ में? तो इतना आप लोग इत्मीनान रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे आ गया फ्यू पोएट्स, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सम, मेनी, ऑल, सम, ए ग्रेट, इन सब का मतलब क्या होता है। आप एकदम चिंता ना करें, अभी ये केवल इंट्रोडक्शन मात्र है, सब में अभी अंतर तो बताना ही है। गला अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप प्रयास करेंगे। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सम और मेनी में क्या अंतर है, सम और एनी में क्या अंतर है, फ्यू और वेरी फ्यू में क्या अंतर है। ये सारा का सारा मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। कब? जब मैं आपको 10 प्रकार के एडजेक्टिव को पढ़ा दूंगा, जिस दिन 11वां एडजेक्टिव मैं शुरू करूंगा, उस दिन से आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन मैं सारा डिफरेंसेस बताऊंगा, और उसी दिन से क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए, फ्यू पोएट्स। अगर दोस्तों ये पोएट है, ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है। आगे हमेशा ये दे रहा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आ गया फ्यू, यानी कि न के बराबर पोएट्स, न के बराबर पोएट्स उतने फेमस है जितने कि कालिदास। दोस्तों इस पूरे देश में, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पोएट्स हैं, और कितने सारे पोएट्स हैं ना मुझे पता है, ना आप लोगों को भी पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। तो फ्यू पोएट्स, न के बराबर कवि, कितने कवि हैं, 4 है कि 40 है कि 2 है कि 5 है, हमको नहीं पता है, नहीं पता है। इसका मतलब है कि ये जो फ्यू है, ये आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगला, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, पीपल, ये भी प्लूरल है, और इसके बाद आने वाला नाउन आ गया पीपल, उसके बाद यहाँ पे आ गया देयर। ठीक है? ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग देयर गोइंग देयर होम्स, यानी बहुत सारे, यानी लोगों की एक अच्छी संख्या, लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने घर, अपने अपने घर जा रही है। तो लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या तो है, लेकिन वो संख्या कितनी है, 2 है कि 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है कि 25 है, ये हमको पता नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, इसका कोई डेटा नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों की संख्या तो है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए अनिश्चित है। इसका मतलब है कि ये कौन सा होगा, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है? अब आ गया लॉट्स ऑफ, अगर यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स भी क्या है, प्लूरल है, इसके बाद ये भी प्लूरल है, और ठीक है आगे आया, जरूरी नहीं है। लॉट्स ऑफ क्रिमिनल, यानी कि बहुत सारे क्रिमिनल्स, यानी कि अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है, बहुत सारे अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। तो कितने सारे अपराधी हमको नहीं पता है, लेकिन अक्सर अगर ऐसे क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो बच्चे के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि जितने सारे अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा होगा, वो तो निश्चित होगा ना। मैं भी कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल निश्चित होगा, पुलिस ने 2 को भेजा है कि 20 को भेजा है। लेकिन आपको भावनाओं में बहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंस में लिखा रहेगा, आपको केवल उस पर बात करनी है, क्या हुआ होगा, इससे आपको कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हर एक कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक होती हैं, उसी प्रकार आपको केवल दिए गए सेंटेंस से मतलब होता है, उसके बाद क्या हुआ होगा उसको फील मत करिए आप। फील करेंगे तो इल हो जाएंगे, जहाँ फील किया आपने कि इल हो जाएंगे, तो इल रहने से अच्छा है कि उसको फील ही ना किया जाए। ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे अपराधियों को, लॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि बहुत सारे अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है, तो अपराधी कितने हैं उसकी संख्या हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में ने बताया नहीं। और अगर नहीं बताया, इसका मतलब है कि लॉर्ड्स ऑफ क्या होगा, लॉर्ड्स ऑफ आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। वैसे ही ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्लेयर्स आर डूइंग देयर वेल, ए लार्ज नंबर ऑफ, खिलाड़ियों की एक अच्छी संख्या अच्छा काम कर रही है। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, होगी जितनी होगी काम कर रहे होंगे, लेकिन इस दिए गए सेंटेंस में 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9 कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसका मतलब है ये क्या है, ये आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर है? संख्या नहीं दिया है, इसका मतलब है कि वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पे आ गया सेवरल, टीचर्स आर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स, अगर ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है।
सेवरल टीचर्स यानी कि कुछ अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो कुछ टीचर्स हैं, कितने हैं? कुछ हैं, उसकी संख्या हमको मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेवरल है वो भी क्या है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आ रही है बात समझ में? मैंने अभी क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि पहले आपको पहचान करना सीखना है। जिस दिन आपको पहचानने आ जाएगा तो मैं बोलूँगा कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ यार, इनडेफिनिट पे तो संख्या निश्चित नहीं होती है। और अगर डेफिनिट बोल दिया गया तो इसका मतलब संख्या क्या है? निश्चित है। अगर बोल दिया गया आई हैव टू बुक्स, तो यहाँ पे टू क्या है? नंबर है, और नंबर है इसका मतलब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कॉर्डिनल है। लेकिन यहाँ पे आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबों की संख्या तो नहीं बताया ना, इसका मतलब मेरी क्या है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तब जाके एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग कवर कर पाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास मैं इतने पे स्टॉप करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप लोग इसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाएं। बहुत सारे बच्चे मेरे पे क्लास ख़त्म होने के बाद व्हाट्सएप करते हैं कि सर देखिए मैंने लिखा है, बहुत अच्छा लगता है, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे, वो जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं भगवान उनको बनाए, ठीक है, मेरा उनको सहयोग रहेगा जिस लेवल पे है। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। कल मिलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको शुभरात्रि, गुड नाइट।